एक तो कल 3 तारीख है, भोपाल गैस ट्रेजडी हुआ था, कल को हम कारपोरेट खासकर अंडानी अंबानी कारपोरेट पूरे उसके विरोध में एक कॉल दे रहे हैं कि पूरे देश में मनाया जाए इसको, और 5 तारीख को पूरे देश में मोदी गवर्नमेंट और रिलायंस और अंबानी और अडानी कॉरपोरेट्स विशेषकर और पूरे कॉरपोरेट जो हाउसेज हैं उनके खिलाफ में पूरे देश में कॉल दिए हैं कि पुतला दहन किया जाए पूरे देश में, इन 3 कानून को वापस लेने के लिए किसान संघर्ष के साथ सॉलिडरिटी जारी करते हुए। एंड लास्ट उसमें हमने फिर 7 तारीख को हम भी सपोर्ट कर, नहीं 5 को तो होगी, 5 को हमने कॉल दिया है पूरा देश में पुतला दहन करने के लिए मोदी गवर्नमेंट, अंबानी अडानी कॉरपोरेट हाउसेज एंड अदर कॉरपोरेट हाउसेज के खिलाफ 2 कानून को रद्द करवाने के लिए, 3 कानून को रद्द करवाने के लिए और पूरे देश में किसानों की सॉलिडरिटी बनाने के लिए। पूरे देश में किसान रैली निकालेंगे, धरना देंगे, पूरा मीटिंग करेंगे और पुतला दहन करेंगे मोदी गवर्नमेंट का और कॉरपोरेट हाउसेज का। एंड फाइनली 7 तारीख को आपको पता होगा कि देश के जवानों ने, देश के जो आर्टिस्ट हैं, प्लेयर्स ने जो भी रिवार्ड मिले हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने कॉल दिया है कि हम पूरे वो रिवार्ड जो है गवर्नमेंट को वापस करेंगे। हम उनका जो ये सॉलिडरिटी जो जाहिर किया है उन्होंने, उनके साथ उनका धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि जो भी पूरे देश में और जिनको नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, एक मूवमेंट के रूप में लोग उन अवार्ड्स को वापस करें और किसानों के साथ अपनी सॉलिडरिटी जाहिर करें। धन्यवाद। उन सैनिकों को और उन खिलाड़ियों को सैल्यूट करना चाहेंगे जिन्होंने इस देश की, देश को बचाने के लिए अपने अवार्ड जो उन्होंने कितनी कितनी मेहनत से जान पे खेल के जो उन्होंने प्राप्त किए हैं उनको वापस लेने का फैसला किया है, उन सैनिकों का और उन खिलाड़ियों का हम सैल्यूट करना चाहेंगे, उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। और दूसरा, आपकी प्रेस के माध्यम से हम ये समझाना चाहेंगे सरकार को कि इसका मतलब ये निकलता है कि जो देश के सैनिक हैं, देश के सिपाही हैं, देश की सेवा करने वाले जो लोग हैं या देश का नाम रोशन करने वाले जो लोग हैं, वो लोग भी इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं और ये सरकार इसको खतरे की घंटी समझे, क्योंकि जो पुलिस है, सैनिक है, वो भी हमारे भाई हैं और वो अपने भाइयों के दर्द में, अपने परिवारों के दर्द में इस आंदोलन में जितना उनसे बन पड़ रहा उतना सहयोग देने के लिए वो तैयार हो गए।